हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक अबाउट प्लांट। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन के बाद जो है वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इतने दिनों से मैंने आपके लिए कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी। सो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो आज जो है जो वीडियो है वो फ्लावरिंग प्लांट के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से वो प्लांट हैं जिन्हें लगाएंगे अगर हम इस समय, तो वो गर्मियों में हमें और बारिश में बहुत सारी फ्लावरिंग करेंगे। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं ये कुछ प्लांट हैं, तो इन्हें मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। ये पोर्चुला का है, जिसे हम मॉस रोज़ भी कहते हैं, और ये पर्सलेन है। तो इनमें बहुत सारी फ्लावरिंग आती है। अभी तक तो ये डोरमेंसी में थे और अब इन्हें हम अपने गार्डन में लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं। मैंने इन्हें स्टोर करके रखा हुआ था इस तरह के पॉली बैग में। गमले खाली कर लिए थे और उनमें दूसरे फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए थे, लेकिन इन्हें हमने स्टोर कर लिया था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे ये मार्केट में मिल जाते हैं प्लांट, काफ़ी सस्ते होते हैं, चीप रेट में आते हैं। 10 रुपये का, 15 रुपये का आपको प्लांट मिल जाएगा। इसमें कई सारे कलर आते हैं। और पोर्चुलाका में भी कई सारे कलर आते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी सारे कलर थे। पिंक, येलो, डार्क पिंक था, और भी कई शेड थे, और इसके भी कई शेड थे, येलो, पिंक, रेड, काफ़ी सारे थे। तो इन्हें आप जो है इस समय तैयार कर सकते हैं बाय द कटिंग, या फिर इन्हीं प्लांट को किसी दूसरे पॉट में हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इतने से प्लांट से ही मैं कई सारे जो है पॉट तैयार करूंगी, और बारिश में ये भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था, वीडियो में शो किया था कि किस तरह के इसके फ्लावर होते हैं। बंचेस में फ्लावर आते हैं ढेर सारे, और पूरा जो है पॉट फिल हो जाता है फ्लावर से। बारिश के समय ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और लगभग फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं, और 2-3 महीने तो ये जम के फ्लावरिंग करते हैं। तो इनको बाय द कटिंग हम इस तरह से, यहाँ से अगर हम इसको तोड़ लें इस तरह से इनकी इतनी कटिंग भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। मैंने सॉइल तैयार कर रखी है, आपको मैं शो करती हूँ। ये रही सॉइल, इस तरह के कंटेनर में लगाती हूँ मैं, ताकि ये अच्छे से ग्रो हो सके और पूरा जो कंटेनर है वो फ्लावर से भर जाए, तो काफ़ी सुंदर दिखता है। तो ये मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ही ली है, और इसमें DAP मैं बाद में दूंगी, क्योंकि अभी गर्मी बहुत हो रही है, लगभग स्टार्ट हो गई है गर्मी। तो ये छत पे मैं रखूंगी तो जल जाएंगे प्लांट। तो इस तरह की सॉइल में आप इतनी सी कटिंग ऐसे करके लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये काफ़ी इजली ग्रो हो जाते हैं कटिंग के थ्रू। मैंने इनके सीड भी जो हैं रख रखे थे, तो आप सीड से भी इनको लगा सकते हैं। मैंने इनके सीड जो हैं सेव किए थे, तो इन सीड से भी ये अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इस तरह से आप जो है इतनी सी भी कटिंग जो है चल जाती है, तरह से आप सारी कटिंग जो है पूरे पॉट में लगा दीजिए, और ये गमला कुछ दिनों के बाद ही पूरा फिल हो जाएगा। मैंने पर्सलेन और पोर्चुला का एक ही में लगा दिया है, तो फ्लावरिंग अच्छे से करेगा दोनों।
इस तरह से मैंने बहुत सारे पॉट जो हैं तैयार किए हैं, उनको भी आपको मैं शो करूँगी। तो इस तरह से आप कटिंग जो है लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ और भी कटिंग लगाई हैं कुछ कंटेनर में, तो इनको कटिंग के थ्रू ही लगाया है। और ये देखिए ग्रो हो रहे हैं, और ये कुछ पिछले सीजन के थे जो मैंने जो तेल के केन होते हैं उनमें लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।